Hello everybody, good morning all of you. So please have a look on the screen. आज का जो हमारा टॉपिक है, हम चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो इसके पहले वाला वीडियो देखा है उसमें इट इज वेरी वेरी क्लियरली एक्सप्लेन टू यू. तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपको लेके. आपको लेके मतलब have a look over here. आज का जो एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल 11.6. यू ऑल हैव टू सॉल्व बाय योर ओन बिफोर सीइंग द वीडियो. यू पॉज इट एंड फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल 11.6 एंड देन यू मूव विद द वीडियो. ओके, सो सॉल्व इट बाय योर ओन. ऑल द बेस्ट. सो नेक्स्ट पॉइंट, आई एम डायरेक्टली मूविंग विद फिनॉल्स. फिनॉल्स बेसिकली हमें बनाना है ईथर्स. तो ईथर्स किस तरह से बनाएंगे? फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल्स आर कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय this method. देखिए, this is phenol plus NaOH. It is converting into ONA. जैसे आप सबको पता है, यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O निकल गया, हो गया ONA. Then further it is reacting with RX, alkyl halide. And अब देखिए, यहाँ से H, यहाँ से NA निकल गया NaX. और यार आगे यहाँ पे place हो गया आपका बना alkyl phenyl. क्लियर है एवरीबॉडी? तो चलिए हम मूव करते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की तरफ. वो राउंड में जो लगाया है वो अभी मत देखें, मैं आपको समझाने वाली हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज. पॉइंट नंबर वन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर. एज यू ऑल नो, ईथर्स हैव नेट डाइपोल मोमेंट. वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स डू नॉट अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स व्हेन वी कंपेयर ईथर्स एंड अल्कोहल्स. मतलब ईथर की जो पोलैरिटी है थोड़ी वीक है. So how we will go with the comparison of ethers, alkanes and alcohols? So polarity is moving. We find that boiling points of ethers are very very low than the boiling points of alcohol. देखिए यहाँ पे कोई तीन के बीच में comparison हो रहा है. जब हम comparison करते हैं तो देख लीजिए, एक है हमारा alkane, एक है हमारा ether और एक है हमारा अल्कोहल. तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है एग्जांपल अल्केन, ईथर और अल्कोहल. हियर आई हैव टेकन एन पेंटेन, इथॉक्सीटेन एंड ब्यूटेन वन ऑन. तो अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं तो हियर व्हिच थिंग्स आर नोटिफाइड, प्लीज हैव अ लुक. व्हेन आई कंपेयर ईथर एंड अल्केन यू कैन फाइंड बॉइलिंग पॉइंट इज 9.1 and 307.6. There is no मतलब very negligible changes found over here. थोड़ा पास पास में है boiling points. लेकिन when I compare ether and alcohol, see 307 and 393 Kelvin, a large difference. क्यों हुआ ऐसा भाई? किस लिए? आ रहा है कुछ दिमाग में? चलाइए दिमाग, चलाइए अपना. इतना सारा पढ़ लिया, थोड़ा तो focus कीजिए please. 307.6 से 390 ईथर में ये और अल्कोहल में ये. तो जिन लोगों का दिमाग चल रहा है उनके दिमाग में आ ही गया होगा क्या कि लार्ज डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स. अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं. गेटिंग एवरीवन? या और ईथर्स के अंदर अगर बात करें, ईथर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते. तो ड्यू टू दिस इट इज फाउंड आउट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन फॉर अल्कोहल इट इज 0. अभी दूसरी बात जो मैं करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज मिसिबिलिटी. जो हम डे टू डे लैंग्वेज में उसको सोल्यूबिलिटी भी बोलते हैं. वेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्यूबिलिटी, बट हियर बेसिकली ईथर्स अल्कोहल्स दे आर लिक्विड इन स्टेट. So I will use the word miscibility. The miscibility of ethers with water resembles to those of alcohols having same molecular mass. Means ethers and alcohols are nearly same. They are miscible with each other. जैसे alcohol miscible है water में, इसी तरह से ethers भी miscible है. तो ऐसा क्यों हुआ भाई? वापस से question. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा drawings आपको दिखाया है. देखिए ये आपका ether. क्लियर है? ओके, इफ आई एम टेकिंग 100 ml वाटर, ईथर इज मिसिबल अबाउट 7.5 ग्राम्स. दिस इज अल्कोहल ड्यू
ethane and all, I have taken example. At the same time, if I am treating 100 ml water, alcohol is 9 grams miscible in water. You can see the miscibility is really same. But when I am taking an alkane pentane, you can see up, dekh sakte hain, do layers formation ho gayi. Matlab it is invisible. So, as you all know, aisa kyun hua? Hydrocarbon hai, aap samajh sakte hain, it is immiscible. Lekin ethers aur alcohols ki solubility ke piche kya aisa raaz hai? Aaiye wo raaz main aapko batane wali hu. Wo raaz maine yahan pe lagaya hua hai. Jaise oxygen of ether can also form. समझिए. Oxygen of ether can also form hydrogen bond with water like alcohols. Alcohols जब पानी के साथ water के साथ hydrogen bond जैसे बनाते हैं, ethers भी इसी तरह से water के साथ कुछ इस तरह से hydrogen bond बना रहे हैं. जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, have a look please. देखिए ये प्लीज आगे बड़ी have a look. R O R ये हो गया आपका ether, clear है. और ये देखिए ये आपका एक पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल. ये आपका दूसरा पानी का मॉलिक्यूल H2O. यू कैन इजीली फाइंड, आई हैव शोन विद द डॉटेड लाइन दैट ethers कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर जस्ट लाइक अल्कोहल. सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट थिंग्स अबाउट सोल्युबिलिटी मिसिबिलिटी. तो होगा आज की थ्योरी में आपको बहुत ही मजा आया होगा. और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, लिखते रहिए, बिकॉज राइटिंग मेक्स मैन बेटर. थैंक यू ऑल एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.